अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारी स्पेशल सीड क्लीनर मशीन है, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड के अंदर, HDF के अंदर। और इसकी क्वालिटी आप चेक करें इंशाल्लाह। ये PVC फोम बहुत अच्छी है, उससे हार्ड है, ख़राब होने वाली नहीं है, नमी से ख़राब नहीं होगी, और टर्माइट प्रूफ है, इसको दीमक वगैरह नहीं पड़ सकती। और इस पे फ़ैन भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगाया हुआ है। फ़ैन आपको चेक करवाते हैं, ताइवान का फ़ैन है। बहुत अच्छी क्वालिटी का फ़ैन लगा हुआ है, लोकल फ़ैन ने इसको लगाया गया हुआ, और 7 इंच का फ़ैन है। मशीन की हाइट जो है वो 20 इंच है, और विड्थ इसकी 15 इंच है, और डेप्थ इसकी 8 इंच है, और अच्छा खासा मतलब स्टोरेज है इसके अंदर। इजीली 4 to 5 kg जो आपका मतलब दाना है वो इसके अंदर आ सकता है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका 90% जो वेस्ट फीड होती है वो उसको सेव कर सकते हैं आप इसके थ्रू, और बहुत मुनासिब प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ है। ये अब आपको चला के चेक करवाते हैं। ये इसका स्पीड कंट्रोलर लगा हुआ है, स्पेशल अच्छी क्वालिटी का स्पीड कंट्रोलर लगा हुआ है, इसे आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें, मैंने स्लो कर दिया, ये जितना आप स्लो चलाना चाहें आप चला सकते हैं, इसको आप फुल कर दें। सबसे अच्छी चीज़ जो इसके अंदर हमने की है थोड़ी सी अल्ट्रेशन, वो ये कि हमने एक ये बनाया है हवा के निकलने के लिए, और एक इसके ऊपर भी बनाया है ताकि हवा अच्छे तरीके से बाहर आएगी तो उसका प्रेशर उतना ज़्यादा बनेगा और आपका दाना उतना ज़्यादा ही अच्छा साफ़ होगा। और इसके मतलब अच्छी इसको जाली लगाई गई है, बारीक जाली लगी है ताकि आपका गन जो है वो बाहर ना आ सके, अंदर ही रहे इस मशीन के। और ये अंदर आप फ्रेम देख रहे हैं, ये फ्रेम लगाने का मकसद भी ये है कि साइडों पर दाना ना फंसे, दराज के सीधा अंदर दराज के अंदर जाए। तो आप इसका देख सकते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग मतलब अच्छे तरीके से की गई है, और इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, मतलब हर चीज़ बिल्कुल लेवल पे, ऐसे मतलब जैसे डाई के अंदर से पीस निकाला गया। फिनिशिंग इसकी आप देख सकते हैं, आउट क्लास फिनिशिंग है। तार इसको अच्छी क्वालिटी की ये तार लगाई गई है, डीमर अच्छी क्वालिटी का है, फ़ैन बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का लगा हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोडक्ट पसंद आएगी।